शहर के जनता को मिले बड़े बिजली के बिल के विरोध में भारतीय जनता पक्ष की ओर से भीख मांगो आंदोलन किया गया है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद आए बिजली बिल बढ़ोतरी कर आने की बात जनता कर रही है। बिजली के बिल माफ हो या इसमें जनता को सहूलियत दी जाए, इस मांग को लेकर भाजपा की ओर से आंदोलन किया जा रहा है, मगर अभी तक कोई भी निवारण नहीं हुआ। इसीलिए भाजपा की ओर से शहर के विविध जगहों पर भीख मांगो आंदोलन किया गया। शहर अध्यक्ष प्रवीण दट्ट के इनके नेतृत्व में शहीद चौक पर, तो वही महापौर संदीप जोशी इनके नेतृत्व में लक्ष्मी नगर में आंदोलन किया गया। भाजपा का कहना है कि इतने आंदोलन करने के बाद भी सरकार इस समस्या का निवारण नहीं कर रही है, सरकार को कैसे भी कर जनता से पैसे वसूल करने हैं, इसलिए भीख मांगो आंदोलन कर ये पैसा जिलाधिकारी द्वारा सरकार तक पहुँचाया जाएगा। देने की बात नहीं, हम गए 1.5 महीने से नागपुर के जनता के लिए। कोविड-19 के समय जो अड़चन में जनता है, बहुत त्रासदी में जनता है, उस जनता को 5-5, 10-10 पट बिल आए हैं। हमने 1.5 महीना हर प्रकार से आंदोलन करके देखा है। हमने माननीय पालक मंत्री जी घर को महिलाओं ने घेराव किया है, हमने नगारा बजाया है, हमने डेपुटेशन दिया है, हमने बिल चलाया है, सारे हम लोकशाही मार्ग से हमारे आंदोलन चल रहे हैं। शहर में घटना आपके सामने घड़ी है, एक आदमी ने इस कारण आत्महत्या का प्रयत्न भी किया, ऐसा पुलिस रिकॉर्ड से पता चला है। मुझे तो ये भी पता चला है कि उसके विरोध में एक संगठना ने तकरार की, जिस PI ने वो तकरार स्वीकार की उसकी बदली हो गई, ऐसी बातें मैं पत्रकारों में से सुन रहा हूँ। तो मेरी ये कहना ऐसा है कि यदि आपको कोई भी कारण से पैसा सरकार को जमा ही करना है, तो भारतीय जनता पार्टी नागपुर जनता को दान मांगेंगी, भीख मांगेंगी, और यार सारा पैसा कलेक्टर साहब के माध्यम से हम सरकार तक पहुँचाएंगे। लेकिन ये गलत तरीका है जनता को तकलीफ देने वाला। यह निर्दयी सरकार है, निर्लज्ज सरकार है, और ये सरकार के खिलाफ कोविड-19 के सारे रूल फॉलो करते हुए हम जनता के साथ रोड पर खड़े रहेंगे, जनता को बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, जनता को साथ रहकर ये आखिर तक ये आंदोलन करेंगे। लेकिन नागपुर की जनता को तकलीफ होए ऐसा कोई भी काम हम सहन नहीं करेंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट, NBC News नागपुर।